टाइप नंबर फोर, भिन्न परिवर्ती प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार और 1/4 भाग कृषि करते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं टोटल, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो 1/3 भाग कृषि नौकरी, 1/4 भाग व्यापार और 1/4 भाग कृषि। ठीक है, कृषि हुआ, नौकरी हुआ और व्यापार। ऐसे क्वेश्चनों में जो भाग दे रहे हैं उनको पहले ही सॉल्व कर लेना, टोटल निकाल लेना कितना हो जाएगा एलसीएम। 12 3 4 12, 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 3 3 1 3। समझ में आ रहा, अंश का हर में डिवाइड और जो भी आएगा तो अंश में इंटू कर देंगे। 4 मतलब अंश का हर में डिवाइड नहीं है, हर का हर में भाग करेंगे, जितना अगर आएगा भाग करने पर भागफल उसका अंश में गुणा करके लिख देंगे। 4 3 12 3, तो 4 3 7 3 10/12 आ गया। इसको काट दें कटे तो 2 5 2 6 12 5/6 कृषि करते हैं। ठीक है, जितने तो टोटल लोग कितने लोग कर रहे हैं, 5/6 भाग लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। बताइए गांव में कौन सा भाग बेरोजगार है। अब ये टोटल हो गया जो काम कर रहे हैं। ठीक है, बेरोजगार का निकालना है तो हम मान लेते हैं कि गांव में कुल लोगों की संख्या कितनी है 1, और इसमें हम घटा देंगे इसको तो हमें आंसर मिल जाएगा 6 6 -5/6 कितना हो जाएगा, 6 में 1 गया 6 में 5 गया, तो 1/6 भाग जो है वो क्या है, बेरोजगार है। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन इसी प्रकार किए जाते हैं। अगर हिस्से या भाग दिए हों क्वेश्चनों में तो हमें क्या करना है, पहले जितने भी हिस्से दे रहेंगे उनका भिन्न का जोड़ निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, टोटल में, टोटल दिया नहीं है कि गाँव में कितने लोग थे तो हम 1 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हिस्सा दिया होगा तो किसी न किसी एक कहा जाए कि पूर्ण संख्या का भाग होगा। 5/6 था, मैंने एक हिस्सा मान लिया, हमेशा ही कुल अगर ना दिया हो तो एक ही मान के चलना है और उसमें से घटा के देंगे तो बेरोजगारों की संख्या मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ सॉल्व, इसी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। एक गाँव में रहने वाले कुल लोगों की संख्या में से 1/4 भाग नौकरी करते थे, 1/5 भाग व्यापार करते थे तथा 1/10 भाग कृषि करते थे। तो बताइए गांव में कौन सा भाग बेरोजगार है। क्वेश्चन में चेंज कर दिया हूँ, आप इसको सॉल्व करें फिर आंसर कमेंट्स करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। किसी टैंक का 1/4 भाग भरा होने पर, 1/4 भाग भरा होने पर 135 लीटर पानी आता है। तो 135 लीटर पानी जो है तो कितने भाग भरे होने पर 1/4 भाग, ठीक है, तो 1 लीटर पानी कितने पे आएगा, 1/4 × 135। ध्यान दें ये क्या है, इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, मतलब जब कोई संख्या बराबर किस पर गुणा में लिखी हो तो बराबर किस पर भाग में जाती है। तो 1/4 था तो 4 की डिवाइड में 4 × 135 लीटर। ठीक है, चलिए किसी टैंक 1/4 भाग भरा होने पर 135 लीटर आता है, तो हमने निकाले 135 लीटर 1/4 भाग का, तो 1 लीटर बराबर कितना इतना आता है। यदि इसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा जाएगा। 1 लीटर में इतना भाग भरता है, ठीक है, तो 180 लीटर में कितना भाग भरेगा, तो 4 × 135, 1 का इतना आया था तो 180 लीटर, तो 180 कर देंगे इंटू 1 × 180। अब इसको काट देंगे, चलिए काट देते हैं, 5 × 10 5 से 35 5 × 10 नहीं 5 से 15 5 से 30, 9 से 8 9 4 36 9 3 27, 4 4 कट गया कितना आया 1/3 भाग। 180 लीटर पानी में कितना भाग भरेगा, 1/3 भाग। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको चेंज करके देता हूँ। किसी टैंक का 1/4 लिखा था तो यहाँ हुआ 1/5 भाग भरा होने पर 135 लीटर की जगह हुआ 145 लीटर पानी आता है। ठीक है, तो आपको बताना है यदि उसमें 180 लीटर की जगह 200 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको करके बताना है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3, एक खंभे का 1/2 भाग सफेद है। ठीक है, तो सफेद कितना हुआ 1/2 भाग तथा 1/3 भाग क्या है, नीला, नीला कितना हुआ 1/3 भाग। यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो, तो शेष भाग निकालने के लिए हम मान लेते हैं कुल को हमेशा क्या मानना है, एक,
कुल संख्या क्या रही होगी, एक। अब दो हो गए सफेद और नीला, तो इन दोनों को मिला के निकाल लेते हैं, सफेद प्लस नीला माइनस क्या कर देंगे, सफेद प्लस नीला, तो एक बटे दो प्लस एक बटे तीन, एलसीएम लीजिए तो छः आया, दो त्याई तीन दो भी, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, पाँच बटे छः, यानी कुल दोनों को मिला के सफ़ेद और नीला को मिला के कितना हिस्सा हुआ खंभे का, पाँच बटे छः हिस्सा हो गया। अच्छा इतना जब हो गया तो हमें शेष निकालना, शेष बचा कितना, तो शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल में घटा देंगे, तो शेष वन माइनस पाँच बटे छः कितना आ जाएगा, छः कम छः माइनस पाँच बटे छः बराबर एक बटे छः, ये शेष हुआ। जब ये शेष निकल आए तो यहाँ क्या बोला, शेष भाग क्या है, पीला है, तो पीला कितना हुआ, पीला पीला एक बटे छः, ठीक है, शेष भाग पीला पीला हो और वह दो मीटर लंबा है, और कितने मीटर लंबा है, दो मीटर लंबा है, पीला पीले का हिस्सा कितना एक बटे छः, ठीक है, और कितना दो मीटर लंबा है, तो हम निकालेंगे कुल कुल लंबाई, खंभे की कुल लंबाई, तो यहाँ शॉर्टकट लिखा खंभे की लंबाई इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो छः गुणे दो बराबर कितना हो जाएगा, बारह मीटर। आगे समझ में क्वेश्चन, पहले क्या करना है, जो दो हिस्से थे उनको ऐड कर लेना है, तो हमें पता चल जाएगा उनको मिला के कुल कितना हिस्सा हुआ, पाँच बटे छः। फिर जब आगे बोला था कि शेष भाग, तो शेष भाग के लिए हम कुल हिस्सा मानेंगे एक और उस एक में घटा देंगे, तो शेष भाग निकलेगा, और जब शेष भाग निकलेगा तो यहाँ पे जो उस हिस्से का दिया था लंबाई, शेष भाग पीला हो और वो पीला कितने मीटर लंबा है, दो मीटर लंबा, तो पीला इंटू वन पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू मीटर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो खंभे की कुल लंबाई मिल जाएगी, तो खंभे की लंबाई जो हुई वो कितनी हो गई, बारह मीटर। तो इसी क्वेश्चन में आपको दिया चेंज करके, एक खंभे का एक बटे तीन भाग सफेद तथा एक बटे पाँच भाग नीला है, यदि शेष भाग पीला हो और वह तीन मीटर लंबा हो, तीन मीटर लंबा हो तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। आगे समझ में, मैंने थोड़ा चेंज किया, एक बटे तीन यहाँ कर दिया, यहाँ एक बटे पाँच, दो मीटर लंबा की जगह तीन मीटर लंबाई कर दी, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, टाइप नंबर फोर का क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ते हैं। किसी कक्षा में दो बटे तीन भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, ठीक है, जिनकी संख्या कितनी थी, 40, ठीक है, तो हम कुल विद्यार्थी निकालते हैं, कुल विद्यार्थी का कितना भाग उपस्थित था, दो बटे तीन, और जिनकी संख्या कितनी थी, 40, तो कुल विद्यार्थी निकालेंगे, जब हम कुल विद्यार्थी इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड वाला इंटू में, इंटू वाला डिवाइड में, मतलब हर वाला क्या हो जाएगा, गुणा में और अंश वाला भाग में, तो 40 गुणे तीन बटे दो हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिए, कितना है 20, 20 60, कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 60। अच्छा इसके बाद करते हैं आगे, यदि कक्षा में दो बटे तीन भाग क्या हो, लड़कियाँ, कुल विद्यार्थियों में से कितनी लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ क्या है, कुल विद्यार्थियों की दो बटे पाँच है, तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, पाँच से साठ कटा तो बारह आया, गुणे दो यानी 24, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 24, और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे समझ में, किसी कक्षा में दो बटे तीन भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी, तो पहले हम क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी निकाल लेंगे, ठीक है, और जब कुल विद्यार्थी निकलेगा तो देख लेंगे कितने भाग में लड़कियां थी, तो कुल विद्यार्थियों का दो बटे पाँच भाग लड़कियां थी, हमने सॉल्व कर दिया, तो टोटल लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 24। तो यही मैंने क्वेश्चन किया चेंज, किसी कक्षा में दो बटे तीन की जगह मैंने कर दिया दो बटे पाँच विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 की जगह मैंने किया 60 थी, यदि कक्षा में दो बटे पाँच की जगह मैंने कर दिया तीन, यदि कक्षा में दो बटे तीन भाग लड़कियां हो तो लड़कियों की कुल संख्या, दो बटे तीन नहीं करते हैं, तीन बटे पाँच कर देते हैं, ठीक है, तीन बटे पाँच भाग लड़कियां हो तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करें और आंसर कमेंट्स बॉक्स पे जरूर सेंड करें। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसी से रिलेटेड, भिन्न पर आधारित भारतीय प्रश्न से रिलेटेड, एक धन का एक बटे तीन भाग क्या है, किसी धन कोई धन है एक बटे तीन भाग उसके एक बटे चार भाग से बारह अधिक है, मैंने माना वह धन जो है वह यक्स है और एक बटे तीन भाग एक बटे चार भाग से बारह अधिक है, तो यक्स का एक बटे तीन भाग उसके एक बटे चार भाग, यक्स के एक बटे चार ही भाग से अधिक का मतलब प्लस, कभी भी अधिक आए तो प्लस, कम आए तो माइनस, अधिक है, एक बटे तीन भाग जो है एक बटे चार भाग से कितना है, बारह अधिक, सॉल्व कर देते हैं।
ये हुआ। इसके बाद एक्स को यहाँ पे लाइए तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, एलसीएम आया कितना 12, 3 से 12 में भाग किए तो 4, और 4 का गुणा x में तो 4x माइनस 4 का मतलब हर का हर में भाग किए जो भी आया तो अंश में गुणा, तो 4 का भाग किए 12 में 3 आया, और 3 का गुणा x में 3x इज इक्वल 12। देन दोनों को घटा दिए तो x बटे कितना आया 12, तो x का मान कितना आया 12, फिर ये गुणा हो गया तो 12 गुणे 12 देन x इज इक्वल 144। अच्छा जब x बराबर 144 हो गया मतलब धन हमने माना था ना, तो धन कितना हो गया 144। तो बोला आगे कि 3 बटे उस धन का 3 बटे 4 भाग ज्ञात कीजिए, तो 3 बटे 4 भाग ज्ञात कर लीजिए, धन 144 का 3 बटे 4 4 से काट दीजिए, तो 4 3 12 2 4 6 24 4 3 12 2 4 6 24 3 3 6 18 3 त्रिकाएँ 10, तो उस धन का 3 बटे 4 भाग कितना हुआ 108। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। तो लीजिए मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, एक धन का 1/5 भाग उसके 1/6 भाग से 15 अधिक है, ठीक है। तो उस धन का 3/4 यहाँ लिखा था तो मैंने कर दिया 3/5 भाग ज्ञात कीजिए। आगे समझ में क्वेश्चन क्या मैंने आपको दिया, एक धन का 1/5 भाग उसके 1/6 भाग से 15 अधिक है, तो उस धन का 3/5 भाग ज्ञात करें। अधिक है तो यहाँ पे प्लस लगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिले अन्य क्वेश्चन का सॉल्व करें यहाँ पे बोल देता कम तो फिर माइनस करना यहाँ पे, ठीक है, बोल देता गुना, गुना मतलब फिर गुना कर देना, हिस्सा करता तो भाग कर देना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 5 क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है।